और गोबर पात्रा उर्फ गॉड से पात्रा पर केस होना चाहिए था। जयचंद 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 कर रहा था, अबे जयचंद तो तेरे खानदान से है, तुम्हारा ये भक्तों का भगवान नरेंद्र मोदी मात्र 21 करोड़ वोटों से जीता था। अब वो जीता था तो ईवीएम घोटाला था वो भी नहीं पता। गोबर पात्रा लगातार उनको जयचंद 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 करे जा रहा था, उनके तिलक लगाने पे इशू कर रहा था। क्यों, हिंदू मजहब तेरे बाप का है जी। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और आप सब हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पर। हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, माना के खराशे हैं चेहरा तो हमारा है। मैं अमन रिजवी लगातार आपकी आवाज़, आपकी सोच, आपने मुझे गुरूर दिया, आपने मेरे लिए दुआएं करी, आपने मुझे हौसला दिया, आपने मुझे सपोर्ट करा। और मैं अमन रिजवी शुरू से कहती चली आ रही हूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई अभिनेता नहीं हूँ, मैं आपकी आवाज़ हूँ, मैं जनता हूँ, लेकिन मैं भीड़ नहीं बनी, मैं भीड़ में एक चेहरा बनी। जिस तरह आप मेरी आवाज़ को लगातार प्रमोट करते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, लगातार आप मुझे सुनना चाहते हैं, लगातार मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देते हैं, कमेंट देते हैं। मैं आरएसएस के दलालों की बात नहीं कर रही, मैं चड्डीधारी गैंग की बात नहीं कर रही, मैं आईटी सेल आरएसएस की बात नहीं कर रही। ये लोग तो खैर अकल से पैदल होते हैं, ये तो भारत में असल जिहादी हैं। जिस तरह आप मुझे सुनते हैं, जिस तरह आप मुझे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो मैं बताती हूँ और वो आगे जाके सच हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि बैंगलोर का जो हादसा था वो प्री प्लान था, कोऑर्डिनेट करा किया गया था, क्योंकि अगर आप परवीन तोगड़िया का बीबीसी लंदन का इंटरव्यू देखते हैं उसमें वो साफ कहते नज़र आते हैं कि काशी मथुरा बाकी है, क्योंकि बाबरी मस्जिद शहीद करके, बाबरी मस्जिद का राम मंदिर का शिलान्यास पार्ट टू करके, अब ये सारे ठलवे, ये सारे ज़ाफरानी आतंकवादी क्या करें, बेकार बैठे हैं अभी ये। अब इनका खुराफाती दिमाग, झाड़ू फिरा दिमाग इनका जो है वो कीड़े फैलाने आ गया समाज में, इसलिए ये लेकर आए काशी मथुरा बाकी है। इनका मतलब ये है कि काशी मथुरा में जितनी मस्जिदें हैं अब हम उनको शहीद करेंगे, या उसके मिशन के लिए दलालों निकल पड़ो, आरएसएस की बटालियन निकल पड़ो, तलवारें लेके निकल पड़ो और कत्ले आम मचा दो। तो मैंने आपको बताया कि बेंगलोर का पूरा हादसा प्री प्लान था, इवन वहाँ की पुलिस भी मिली हुई थी, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह एमएलए का अकाउंट हैक करा जाता है, दलित समाज का है, वहाँ पर कांग्रेस के एमएलए हैं, बेंगलोर से उनका अकाउंट हैक करा जाता है और लगातार रसूल पाक की शान में गुस्ताखी वाली पोस्ट करी जाती हैं। जब वहाँ के सिविलाइज लोग कंप्लेन लेकर थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उनको तो पता है ये तो हमने प्री प्लान करा है, हम तो दंगा भड़काना चाहते हैं। फिर वहाँ के सभ्य लोग, वहाँ के लोग फिर जाते हैं, फिर वहाँ पर कहते हैं कि कार्रवाई करो, तो वो पुलिस वाले फिर हाथ खड़े कर देते हैं, फिर मुसलमान सड़कों पर उतर पड़ते हैं और उन्हीं मुसलमानों में बहुत सारे ज़ाफरानी आतंकवादियों को शामिल कर दिया जाता है जो टोपी लगाए हुए होते हैं। उनको काम दिया जाता है कि तुम मुसलमानों की आड़ में आग लगाना, तुम थाने का घिराव करना, और असल मकसद इनका ये था कि वहाँ पर एक मंदिर था जिस मंदिर को ये टारगेट करना चाहते थे, जिस मंदिर को खुद ये तोड़ना चाहते थे आरएसएस वाले। लेकिन काम आ गई मुसलमानों की सिक्स सेंस, उनकी अकल काम आ गई कि उनका नाम यूज़ होगा, उनका नाम बदनाम होगा, मंदिर को खुद तोड़ेंगे और पूरे भारत में दंगा मचा देंगे। इसलिए 200 से ज़्यादा मुसलमानों ने उस मंदिर को पूरा कवर करा और वहाँ पर किसी भी आरएसएस के ज़ाफरानी आतंकवादी को घुसने नहीं दिया। आप कमाल की बात देखिए कि ये हमारा संबित पात्रा उर्फ गोबर पात्रा, और अब आप इसको कहिए कि नाथूराम गौडसे पात्रा, फौरन ट्यूट करता है कि सोचता हूँ डर है तो ये हाल, अगर निडर होते तो क्या करते। यानी कि ये पूरा का पूरा, इसे पता था कि वहाँ दंगे हो चुके, इनकी टीम कामयाब रही, आरएसएस के दलाल कामयाब रहे, तो इसने फौरन ट्यूट करा, क्योंकि आपको तो मालूम है सबसे बड़ा आतंकवादी इस ज़माने का नाथूराम गौडसे अगर कोई है तो वो है संबित पात्रा। वहाँ पर हालात जब उन्होंने देखा कि भाई मुसलमान तो ने हमारी प्लानिंग कामयाब
नहीं होने दी तो पुलिस वालों ने खुन्नास खाकर मुसलमानों के डायरेक्ट गोलियां मार दी और कहा हालात बेकाबू हो गए थे। हमें मालूम है हालात कब कब बेकाबू होते हैं, जब तुम्हारी गोलियों की जद पे मुसलमान होता है, जब तुम्हारी गोलियों की जद पर दलित होता है, जब तुम्हारी गोलियों की जद पर वाल्मीकि होता है, जब जब तुम्हारे हाथ से हालात नासाज हो जाते हैं। हमने देखा दिल्ली दंगों में देखा, हमने देखा, हमने यूपी में देखा जब एनआरसी पे प्रोटेस्ट चल रहा था, जब भी हालात नासाज हो गए थे और 200-250 मुसलमानों को, मासूम मुसलमानों को योगी सरकार ने, यूपी के फर्जी प्रधानमंत्री ने शहीद करा था एनआरसी के वक्त। हमने देखा तुम्हारी गोलियों पे जब जब मुसलमान होते हैं तो हालात नासाज हो जाते हैं, साजगार नहीं रहते, हाथ से निकल जाते हैं। तुम डायरेक्ट दिलों पे गोलियां मारते हो, पैर वैर नजर नहीं आते तुम्हें। फिर तो ये ड्रामा चल रहा है। अब आपको मैं और पीछे लेके चलती हूँ, थोड़ा और पीछे लेके चलती हूँ। जब शिलान्यास पार्ट टू का ड्रामा चल रहा था पूरे भारत में, तो आपने देखा, मैंने आपको कहा कि ये सारा ड्रामा चल रहा है, जिन लोगों को इनविटेशन नहीं भेजा जा रहा वो अब ड्रामा करेंगे। अमित शाह किसी पहचान का मोहताज नहीं है, वो भारत का होम मिनिस्टर है। क्योंकि वो जैनी मजहब से है इसलिए वो शिलान्यास पार्ट टू में नहीं जा सकता था। उसने ड्रामा करा, उसने ट्वीट किया मुझे कोरोना हो गया। मैंने जब ही वीडियो बनाई और कहा कि अमित शाह झूठ बोल रहा है, उसको कोरोना नहीं हुआ। अगर कोरोना हुआ है, अव्वल बात तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो वो मरना चाहिए, ये वर्ड मेरे थे। लेकिन इतना हरामखोर इनका मीडिया है, इतने ज़्यादा वो वेबसाइट वाले हैं, उन्होंने कहा कि अहमद रिजवी, जिहादी अहमद रिजवी ने अमित शाह को बद्दुआएँ दी। मेरा फैक्ट नहीं देखा, मेरी बात को नहीं कहा, देखो मेरा फैक्ट कितना सही था, मैंने कितना सही बताया था, कितना सही समीकरण करा था। ये झूठ बोल रहा है, ये होम मिनिस्टर होके इतना झूठा है। वो अहमद रिजवी थोड़ी थी, मैं कोई नेता थोड़ी थी, मैं अभिनेता थोड़ी थी। अगर मैं कोई बयान देती हूँ वो गलत होता है तो कोई बात नहीं, ये होम मिनिस्टर है भारत का, इतना झूठा, इतना मक्कार के फर्जी ट्वीट कर रहा है। उस पर कोई सवाल नहीं कि तूने कैसे झूठ बोला, तुझे कोरोना पॉजिटिव था, फिर अस्पताल तू एडमिट हो गया, फिर शिलान्यास पार्ट टू का ड्रामा खत्म हुआ और तूने कहा नहीं मैं नेगेटिव हूँ। इनके ये ड्रामे। और कमाल की बात देखिए, रात में बहुत दिन बाद गूगल पे जाकर मैंने अहमद रिजवी सर्च करा तो वहाँ क्या लिखा हुआ रहा है, शाहीन बाग की जिहादी अहमद रिजवी, यानी मैं जिहादी इस्लामिक आतंकवादी अहमद रिजवी, शाहीन बाग की अहमद रिजवी। खुदा ना करे मैं शाहीन बाग से हूँ, मैं शाहीन बाग से नहीं थी, मैं शाहीन बाग के स्टेज पर चढ़ती भी नहीं थी। इवन वहाँ का रजिस्टर उठाकर देख लें, अगर यकीन ना है, चार चार पाँच पाँच घंटे मेरा नाम लिखा रहता था, वहाँ की औरतें मुझे बोलने नहीं दी, जिनका डोमिनेशन स्टेज पर था। मैं शाहीन बाग के बाहर गई, पब्लिक बनकर गई, या कोई इंटरव्यू होता था तो मीडिया वाले मुझे वहाँ बुलाते थे कि भाई यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। शाहीन बाग के स्टेज पर मुझे चढ़ने नहीं दिया जाता था, वहाँ की औरतों को हुक्म था। अब आप कहेंगे हुक्म किसकी तरफ से था, आसिम मोहम्मद खान जो एक्स MLA है उसका होल्ड था वहाँ के स्टेज पर, जामिया के स्टेज पर, दोनों जगह ये मुझे बोलने नहीं देते थे। ना मैं शाहीन बाग के स्टेज पर बोलती थी, ना मैं जामिया के स्टेज पर मुझे बोलने दिया जाता था। जामिया में मेरा स्टेज अलग लगा हुआ था मकबरे के पास, जहाँ पर बेचारी बहुत अलग तरह के लोग आते थे, स्टूडेंट नहीं होते थे, लेडीज़ औरतें होती थी, जिस स्टेज को भी आसिम मोहम्मद खान ने 3-4 हमले करे थे, ख़त्म करवाया था। तो मैं शाहीन बाग से नहीं थी, मैं शाहीन बाग से नहीं, मैं जंतर मंतर से बनी थी, मैं जंतर मंतर से बनी थी, मैं हक की वजह से बनी थी, क्योंकि मैं हक की आवाज़ थी, मैं आपकी आवाज़ थी, मैं सच्ची थी, मैं फ्रीडम फाइटर की पोती थी, मैं इसलिए अहमद रिजवी बनी थी, लोग मुझे इसलिए सुन रहे थे, मिलियंस में मेरी वीडियो चल रही थी और मेरी इसी पॉपुलैरिटी से डर गया था आसिम मोहम्मद खान, जो RSS का पिट्टू है और इसका बड़ा भाई गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो शाहीन बाग पे मुझे बोलने तक नहीं दिया जाता था, मैं शाहीन बाग से नहीं थी, वहाँ की स्टेज वाली मुझे बोलने नहीं देती थी। इवन जब शाहीन बाग कर मजिस्ट्रेट आए थे, जज आए थे, जुडिशली आई थी कि वहाँ से हटा लो, उस वक्त भी मैं बाहर खड़ी रही थी, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया था। तो मैं शाहीन बाग से नहीं हूँ। आप रिपोर्ट छापें, बेशक मेरे लिए नफरत छापें, मैं तमाम उन जितने भी वेबसाइट जिन्होंने मुझे इज्जत से नहीं, बेशक जिल्लत से ही जगह दी, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जगह दी, अहमद रिजवी को जगह दी, जिहादी बनाकर जगह दी, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। इनके लिए तो बड़ा आसान है, किसी मुसलमान को बस जिहादी कह दो, इनके खुशी के गुब्बारे इनके फूटने पड़ते हैं, सब खुश हो जाते हैं, हाय हमने इसको जिहादी बता दिया। मुझे मालूम है मैं मुसलमान हूँ और इसका कफ़ारा मैं दूंगी और दे रही हूँ,
कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा गुनाह इसलिए है भारत में कि तुम मुझे टैग करोगे, मुझे जिहादी बता रहे हैं, ट्रोल हो रही हूँ भाई मैं सारा का सारा उसमें ट्विटर पर ट्रोल हो रही हूँ कि जिहादी अहमद निजवी ने अमित शाह को बद्दुआ दी। अबे जाहिलो ढक्कन खोलो गोबरो, मेरे फैक्ट सुनो जाकर उस वीडियो में, भारत न्यूज़ 91 पर वो मिलियंस में 6 मिलियंस में चली है फेसबुक पर, सुनो उस वीडियो को जाकर मैंने क्या कहा कि कोरोना से सिर्फ मुसलमान क्यों मरे, जब तुम्हें कोरोना होता है तो तुम क्यों नहीं मरते, केजरीवाल क्यों नहीं मरता, अमिताभ क्यों नहीं मरा, संबित पात्रा क्यों नहीं मरा, जियो न्यूज़ वाले क्यों नहीं मरे। और अगर अमित शाह को कोरोना है जो कि नहीं है तो वो मरना चाहिए अगर बाकी कोरोना है, क्योंकि मुसलमान क्यों मर रहा है फिर कोरोना में। मैंने ये वाली बात बोली थी, मेरे स्टेटमेंट को बदल कर सिर्फ हेडिंग लगा दी कि अहमद रिजवी ने बद्दुआ दी। तो ये ड्रामे चल रहे हैं इनके, तो तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे लिखने से मैं जिहादी नहीं हो गई। और जिहादी किसको कहते हैं जाहिलो, तुम्हें मालूम है किसको कहते हैं जिहादी? कहते हैं हक के लिए लड़ने को, उसके लिए तलवारें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, तीर त्रिशूल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम हो भगवा आतंकवादी जो तुम बात बात पर जय श्री राम का नारा लगाते हो और लोगों को कत्ल कर देते हो। तुमने जय श्री राम को बदनाम कर दिया, राम जी भी इस जमाने में आ जाएं तो सर पीटें अपना, हाय किस तरह के जलील लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम को गंदा कर दिया। जय श्री राम की तालीम ऐसी नहीं थी, माफ कीजिए जय श्री राम ऐसे नहीं थे, सिया राम की एजुकेशन ही नहीं थी, जिस तरह तुम भगवा दारी ने जय श्री राम को बदनाम कर दिया। तो तुम्हारे जिहादी कहने से, तुम्हारे जिहादी लिखने से मैं अहमद रिजवी जिहादी नहीं हो जाती। अमित शाह हमारा होम मिनिस्टर है, वो कैसे झूठ बोल सकता है, वो कैसे मक्कारी दिखा सकता है, कैसे उसने झूठ बोला, झूठा ट्वीट करा कि हाँ मुझे कोरोना हो गया। मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने सच बोला था, मैंने कहा था कोरोना, ये देखना कोरोना का ड्रामा है, जैसे ही शिलान्यास पार्ट टू खत्म होगा ये बिल से निकल कर आ जाएगा, मैं चंगा मंगा हो गया। आपने राहत इंदौरी को देखा, राहत इंदौरी की मौत, हार्ट अटैक में गए थे वो हॉस्पिटल और उनको वहाँ मारा गया, कत्ल करा गया और रिपोर्ट क्या बनाई, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। क्यों, जब कोई मुसलमान मरेगा तो कोरोना से ही मरेगा? भारत में सिर्फ मुसलमान ही कोरोना से मरेंगे? तुम्हारी रिश्तेदारी है कोरोना से, रिश्वत दे दी तुमने कोरोना को? संबित पात्रा का रिश्तेदार है कोरोना, बीजेपी का रिश्तेदार है, आरएसएस का रिश्तेदार है, जी न्यूज़ का रिश्तेदार है, हमारे टकलू का रिश्तेदार है, तू तो होम मिनिस्टर था बे, तू इतना झूठा, तो आप देखिए कितना झूठा है होम मिनिस्टर हमारा। होगा क्यों नहीं, हमारा झूठलर झूठा नहीं है, हमारा नरेंद्र मोदी झूठा नहीं है, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, हमारे 20 फौजी शहीद हो गए और हमारा नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा था, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। ये हाल है हमारे भारत का, ये हाल है इन झूठे मक्कारों का, ये हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, इनको ट्रोल करा। भारत न्यूज़ 91 छोटा सा अदना सा चैनल यूट्यूब का, मेरी वीडियो लगाई 45 मिनट में 50,000 चल गई, फौरन डिलीट कर दी इन्होंने। क्यों डर गए तुम मेरी आवाज़ से? मैं तो प्रधानमंत्री नहीं थी, मैं तो अमित शाह टकलू नहीं थी, मैं तो होम मिनिस्टर नहीं थी, मैं तो केजरीवाल नहीं थी, मैं तो अदना सी अहमद रिजवी थी, तुम मेरी आवाज़ से डर गए, तुमने वीडियो डिलीट करनी शुरू कर दी। अब मेरी बहुत तेज़ी से वीडियो डिलीट हो रही है भाई, वॉइस न्यूज़ नेटवर्क से 3 वीडियो मेरी डिलीट हो गई जो 3-3 लाख पे चल रही थी, 1.5-1.5 महीने पुरानी, कि वॉयलेंस फैला रही हैं, क्योंकि मैंने उसमें आपको फैक्ट बताया, कोरोना का फैक्ट बताया, हमारे पे जो भारत में जुल्म हो रहा है उसका फैक्ट बताया कि किस तरह ये मुसलमानों को हॉस्पिटल में मार रहे हैं। और मैं कितने दिनों से डिमांड कर रही हूँ, 2 महीने से चिल्ला रही हूँ, लगाओ अस्पताल में CCTV, क्यों नहीं लगाते हो, दिखाओ कि तुम हमारे साथ कर क्या रहे हो, लगाओ बाहर LED ताकि हम देखें कि तुम हमारे पेशेंट के साथ क्या कर रहे हो। देवेंद्र शर्मा दिल्ली का डॉक्टर, 150 मुसलमानों को उसने कोरोना के नाम पे फर्जी मारा और उनकी आंखें, दिल, गुर्दे, फेफड़े निकाल लिए और कबूला कि मैंने उनकी डेड बॉडियों को मगरमच्छ के आगे डाल दिया। ये मैं नहीं कह रही, ये न्यूज़ कह रही है, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, कितनी डेड बॉडी नज़र आ रही है जिनके सारे यहाँ से टांके लगे हुए खुले हुए, तो कौन सा कोरोना था उनको जो तुमने दिल, गुर्दे, फेफड़े निकाल लिए? कौन सा तुम आपदा में अफसर ढूंढ रहे थे? तो ये मुझसे डर गए, ये अहमद रिजवी की आवाज़ से डर गए, मेरी वीडियो डिलीट कर रहे हैं। लोकतंत्र TV, दलित समाज का TV, अब तक मेरी 17-18 वीडियो डिलीट हो गई मेरी, वहाँ पर पुरानी वीडियो डिलीट कर रहा है यूट्यूब। तो क्यों डर रहे हो तुम मुझसे, मेरी आवाज़ से डर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है मैं सच की आवाज़ हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ,
जो गलत होगा चाहे वो मेरा भाई भी गलत होगा, मैं उस पर आवाज़ उठाती थी और आवाज़ उठाती और आवाज़ उठाते उठाते मर जाऊंगी। क्या करोगे ज़्यादा ज़्यादा, तुम मुझे मार दोगे? मारने की धमकियाँ देते हो तो मार दो। मेरे फेसबुक पेज पे लंबे लंबे फर्रे छाप के भेज रहे हैं ये आतंकवादी आरएसएस वाले, इतनी इतनी गालियाँ, जबकि मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है। क्या कमाल की बात है, मुझे हरेसमेंट कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे रेप की धमकियां दे रहे हैं, मैंने उन पे कंप्लेन करके उनको ब्लॉक कर दिया, और कमाल की बात ये वो मुझे लगातार अब भी एसएमएस कर रहे हैं। तो किस तरह का ब्लॉक है भाई ये, कि वो मुझे अभी भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और मैं उनको रिप्लाई नहीं दे सकती? तो तुम मुझसे डरे हुए हो? तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप में भी पावर है। परसों आपने देखा किस तरह गोबर पात्रा उर्फ गॉड से पात्रा ने कत्ल कर दिया राजीव त्यागी का। आपने देखी वो डिबेट, किस तरह कत्ल करा? कोई कार्रवाई हुई चैनल पे? कार्रवाई हुई? उनकी वाइफ, राजीव त्यागी की वाइफ कह रही कि राजीव त्यागी के आखिरी वर्ड यही थे कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, इस डिबेट ने मुझे मार दिया। कोई कार्रवाई हुई? तुम करो तो ठीक, हम करें तो खराब। हम हक की बात भी करें, हम संविधान की बात करें तो हम जिहादी। तुम तलवारें ले लेकर मुल्लाओं को काटो, लट घुसाओ, ये करो वो करो, कौम के गद्दारों को गोली मारो, सालों को यानी मुसलमानों को, तो तुम सही देशभक्त? तुम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ फाड़ के फेंक दो, तुम देशभक्त? तुम दलितों को पेड़ों से मार मार के मारो, उनको पेशाब पिलाओ, तुम देशभक्त? तुम दलित की बेटियों को माल गनीमत उठाओ समझ के उठा उठा के ले जाओ, रेप करो, तुम देशभक्त? सुदीक्षा भाटी, मैंने आपको बताया था परसों उसको मारा है बुलंदशहर में, तुम देशभक्त? कि तुमने उसको रेप करके, रेप करना चाहते थे, उठाना चाहते थे आरएसएस वाले, जब वो लड़की नहीं इनके कंट्रोल में आई तो उसको टक्कर मार दी, उसका कत्ल कर दिया, जबकि वो अमेरिका वापस जा रही थी पढ़ने, तो तुम देशभक्त? तुम बेटियों को लूटो तो देशभक्त? तुम निर्भया बनाओ तो देशभक्त? तुम कटवा बनाओ तो देशभक्त? और हम हक की बात करें तो हम जिहादी, हम गद्दार? क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम उर्दू नेम हैं, तुम्हारे कहने से हम जिहादी हो जाएंगे? हमारे मोदी जी पावर में आए थे, हमारे मोदी जी पावर में आए थे। कैसे पावर में आए थे? 21 करोड़ लोगों ने चुना था भारत की, माफ करो जो आबादी वो 21 करोड़ नहीं है, भारत की आबादी 137 करोड़ है, टोटल पॉपुलेशन भारत की 137 करोड़ है, और तुम्हारा ये भक्तों का भगवान नरेंद्र मोदी मात्र 21 करोड़ वोटों से जीता था। अब वो जीता था ईवीएम घोटाला था वो भी नहीं पता, तो कैसे तुम हिंदू के, तुम हिंदुत्व की बात करते हो? हम सब एक हैं, हमारे सारे साथ हैं, हमारे सारे साथ हैं, सिर्फ दलाल तुम्हारे साथ है, क्योंकि 45 लाख जो तुमने आईटी सेल बना रखी है अपनी आरएसएस वालों ने, जो गंदे गंदे कमेंट करते हैं, जो धमकियां देते हैं रेप की, जो मर्डर की धमकियां देते हैं, सिर्फ वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी सपोर्ट में है। जोझा चना बाजे घना, इसका मतलब ये है जो खुरदुरा खोखला चना होता है ना उसमें आवाज़ आती है, तो तुम खोखले चने हो, तुमने भारत को भी खोखला कर दिया, तुम खोखले चने हो, चने हो, इसीलिए तुम मर्डर कर रहे हो। संबित पात्रा पे तुमने कोई कार्रवाई करी? और कांग्रेस को करनी चाहिए थी, राहुल गांधी को ट्वीट करना चाहिए था, मेनका गांधी को ट्वीट करना चाहिए था, सॉरी प्रियंका गांधी को ट्वीट करना चाहिए था, सोनिया गांधी को करना चाहिए था, और उनको जाना चाहिए था राजीव त्यागी के घर कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, इस मर्डर में हम तुम्हारी सपोर्ट में, और गोबर पात्रा उर्फ गॉड से पात्रा पर केस होना चाहिए था। जयचंद 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 कर रहा था, अभी जयचंद तो तेरे खानदान से हैं पात्रा, आरएसएस वालों, जयचंद के तो खानदान तुम्हारा ही था, गौर से के खानदान वाले हो तुम, गौर से की नाजायज़ औलादे हो, और तुम जयचंद की भी नाजायज़ औलादे हो। जयचंद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मुनाफिक गद्दार था, जिसने पृथ्वीराज साम्राज्य को गिराया था, गद्दारी करके ख़त्म करवाया था, वो था जयचंद। और ये गोबर पात्रा लगातार उनको जयचंद 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 करे जा रहा था, उनके तिलक लगाने पे इशू कर रहा था। क्यों? हिंदू मजहब तेरे बाप का है? कोई भी अगर बीजेपी के अलावा तिलक लगाएगा, तीज त्यौहार बनाएगा, तो तुम उसको मार दोगे जान से उसको?